जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के इस न्यू धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों माय नेम इज़ द लवली सेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पे सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है सुपरस्टार शाहरुख खान की मोस्ट वेटेड फिल्म सल्लार वर्सेज बाहुबली फेम एक्टर प्रभास की मोस्ट एंटीसेप्टिक मूवी सल्लार के बीच में। आइए दोस्तों जानते हैं इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म डे वन पे बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा रुपये छापने में कामयाब होगी। साथ ही इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म को पब्लिक देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित है। दरअसल शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी किसमिस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। साथ ही डंकी के साथ में प्रभास की मोस्ट वेटेड फिल्म सल्लार भी रिलीज होने वाली है, यानी दिसंबर के महीने में बॉलीवुड बदनाम साउथ होने वाला है और अब तक का बॉक्स ऑफिस पे सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है। यूं तो फिल्म डंकी की रिलीज डेट पहले से ही तय थी, लेकिन सल्लार की जब रिलीज डेट अनाउंसमेंट हुई तो तहलका मच गया। प्रभास व शाहरुख खान के फैंस आपस में सोशल मीडिया पर भिड़ने लगे। ऐसे में दोस्तों सवाल यह बनता है कि इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म डे वन पर बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा रुपये छापेगी। ये तो आने वाले 2 महीने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोस्तों ये तो फिलहाल जरूर पता चल गया है कि फिलहाल इस वक्त पब्लिक इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। बुक माय शो रिपोर्ट के मुताबिक 75,000 लोगों ने फिल्म डंकी को लेकर अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिसके मुताबिक 75,000 लोग फिल्म डंकी को देखना चाहते हैं। वहीं बुक माय शो पर फिल्म सल्लार को पब्लिक के द्वारा 3,362 लाइक्स मिल चुके हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पब्लिक शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बजाय प्रभास की फिल्म सल्लार को देखने को लेकर काफी उत्साहित है। वैसे दोस्तों ये दोनों फिल्में सिनेमाघरों में 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसे में आप इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म को देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। साथ ही एपिसोड को करते हैं नई समाप्त और मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड में।